आज हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे, उसी का हम बेस बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 2 कप भर के चीनी। पहले हमने 1 किलो का बनाया था तो 1 कप डाली थी, अभी 2 किलो दूध है तो 2 किलो ही के हिसाब से चीनी डालेंगे। हमने 2 कप चीनी लेने के बाद हम लेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। हमने ये मिल्क पाउडर 2 कप ले लिया है, या फिर आप आधा कप भी ले सकते हैं, सेम क्वांटिटी रहनी चाहिए। 1 टेबल स्पून पहले हम 1 किलो दूध में GMS पाउडर डालते थे कि इसमें हमने 2 स्पून GMS पाउडर डाला है। CMC पाउडर पहले हमने 1/4 स्पून डाला था, अभी आधा स्पून डाला है। और 1 कप लेंगे भर के चॉकलेट। वैसे तो 2 स्पून 1 किलो में बहुत रहती है, अभी हम 2 किलो दूध के लिए बना रहे हैं तो 1/4 कप हम चॉकलेट पाउडर लेंगे। और 1/4 कप ही हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, क्योंकि कॉर्नफ्लोर और चॉकलेट पाउडर मिलके डबल हो जाता है, इसीलिए हमने 1/4 कप ही लिया है। इसको 2 कप लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे मिल्क पाउडर और सब चीज़ के साथ ही चॉकलेट पाउडर रेडी हो गया है। इसको आप साल भर तक फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं, अगर बाहरी रखते हैं तो 3-4 महीने आराम से चल जाएगा और कभी भी मनचाहे टाइम में चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हैं। हमने 2 कप दूध लिया है, उसमें धीरे धीरे करके चॉकलेट पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। 2 किलो दूध हमने बॉईल करने रख दिया है, ये अच्छा बॉईल हो जाए तो हमने जो भिगोया हुआ कच्चे दूध में जो पाउडर है मिक्स करके रखा हुआ है वो धीरे धीरे करके इसमें डालते जाएंगे। इसमें मलाई आए तो वो चारों तरफ से हटाते जाएँ और इसमें ही मिक्स कर दें, क्योंकि मलाई तो हमको वैसे भी डालनी है। और देखिए कितना ज़बरदस्त ये मिल्क पाउडर का बेस रेडी हो गया है, हमने इसमें दूध में मिक्स कर दिया है। गुठली नहीं आनी चाहिए, यानी कि गांठें नहीं पड़े। और इसी के लिए पहले हम नीचे ही मिक्स कर लेते हैं कच्चे दूध में, फिर उसके बाद बॉईल करे हुए दूध में डालते हैं। इसमें भी अच्छी तरह से मिक्स करके चलाते जाएँ, क्योंकि इसमें चॉकलेट पाउडर और कॉर्न पाउडर दोनों चीज़ पड़े हुए हैं, इसीलिए चलाते हुए पकाना है। अच्छी तरह से गाढ़ापन आने के बाद आपको ठंडा करना है और उसको बाउल में डालकर जमा दें। और जमाने के बाद एक बार 4-5 घंटे में जो आइसक्रीम जमेगी उसको हम मलाई या व्हिप्ड क्रीम या अमूल क्रीम कोई भी एक बाउल भर के ज़रूर डालेंगे, जिससे उसकी क्रीमीनेस बढ़ जाती है, सॉफ्ट हो जाएगी आइसक्रीम और बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनेगी। तीनों में से आप कोई भी एक आइटम डाल सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम व्हिप करेंगे। चॉपर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले रहे हैं, या आपके पास ग्राइंडर बड़ा वाला है तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर जो एक बीटर रहता है उसके द्वारा अच्छी तरह से बीट कर लें। बीट करके डबल ट्रिपल हो जाती है, उसको आप अलग अलग आइसक्रीम के बाउल में डाल लें या आइसक्रीम के बॉक्सेज में। और ऊपर से हमने डार्क चॉकलेट को घिस दिया है, इससे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, लाजवाब लगेगी। ये घिस लें आप अच्छी तरह से, क्योंकि फ्रीजर में रखी चॉकलेट होगी तो आराम से घिस जाएगी। और थोड़ी सी हमारी बाउल में भी बची थी, वो चॉकलेट को घिस कर इसमें डालकर जमा दी है। सेकेंड टाइम में हमने एक बीटर से बीट की है, देखिए कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम सॉफ्ट पीक्स के साथ बन रही है, आप देख सकते हैं। आगे आगे 5 मिनट तक हमने बीट किया। अब हमारा आइसक्रीम का बेस देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है और डबल ट्रिपल हो गया है। अब अलग अलग बॉक्स में हम इन आइसक्रीम को डाल देंगे। आप देखिए किस तरीके से ये आइसक्रीम बेस बनकर रेडी हुआ है, कितना फ्लफी और चिकना है, खाने में तो मज़े ही आ जाएंगे। इतनी फ्लफी आइसक्रीम बिल्कुल बाजार को मात देगी ये वाली आइसक्रीम। और एक बीटर सबसे सुपर निकला, हमने 3-4 तरीके से बीट किया इस आइसक्रीम को, परंतु सबसे अच्छा एग बीटर ही रहता है। आप भी एग बीटर एक खरीद लें अगर आपके पास नहीं है, तो आइसक्रीम के मज़े आप डबल ट्रिपल पाएंगे, क्योंकि आइसक्रीम भी तो डबल ट्रिपल हो जाती है, मिक्सी में इतना वो बात नहीं बैठ पाती है और ये चॉपर में भी वो बात नहीं बैठी। हमने तीनों चीज़ों का यूज किया, सबसे अच्छा आइटम एग बीटर के द्वारा हुआ।
बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम, ये बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने सब मिलने जुलने वालों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो उसका फ़ायदा उठा पाएँ। न्यू व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, तभी तो आप नई नई वीडियो मेरी देख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।